अनुदेशक अशोक कुमार की हत्या के केस में निष्पक्ष जांच के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को सौंपा प्रार्थना पत्र। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के बैनर तले राजकीय आईटीआई कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने अपने अनुदेशक अशोक कुमार की हत्या में पुलिस द्वारा निष्पक्ष जांच कराए जाने के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र सौंपा है। प्रार्थना पत्र में कहा गया कि राजकीय आईटीआई बिलारी में कार्यरत स्वर्गीय अनुदेशक अशोक कुमार दिनांक 8/8/2020 को दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो जाने के कारण मौत हो गई थी, जिसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या होने की पुष्टि हुई, जिसको लेकर पागुड़ा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया, किंतु 15 दिन से भी अधिक हो जाने पर पुलिस द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई, जिस कारण राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद जनपद मुरादाबाद के पदाधिकारियों ने कार्यवाही हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र सौंपा है कि वे अपनी देखरेख में इस केस की जाँच करें। सर, क्या नाम है आपका? श्रीकांत यादव, अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद जनपद मुरादाबाद। किस संबंध में? माइक लगाना भूल गए। किस संबंध में सर आना हुआ है? आज हमारे राजकीय आरटीआई कर्मचारी संघ के पदाधिकारी श्री अशोक कुमार अनुदेशक की 8 अगस्त को हत्या हो गई थी, उसके संबंध में आज हम लोग मिलने आए थे माननीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से कि इनकी सही जांच कराई जाए और अभी तक जो गिरफ्तारी नहीं हुई उसकी वास्तविकता से कर्मचारियों को और उनके परिवार के लोगों को आश्वस्त कराया जाए कि हाँ, हमारे साथ सही हो रहा है और हमें न्याय मिल रहा है। उसी के लिए आज हम लोग मिलने आए हैं। क्या चाहते हैं सर? हम लोग चाहते हैं कि जो उस कर्मचारी के साथ हत्या किया है, हत्यारे पकड़े जाएं, उनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, जो संविधान में नियम कानून है उसके तहत उनको सजा मिलनी चाहिए। कब की घटना है ये 8 अगस्त की घटना है। कौन से क्षेत्र में हुई थी? ये गुरेठा पागबाड़ा के पास हुआ था। पागबाड़ा थाना में।